आज जो है हम लोग विंडो प्रोग्राम में सिस्टम टूल के बारे में जानेंगे। सिस्टम टूल क्या होता है, इससे पहले जाने थे हाउ टू क्रिएट फोल्डर, हाउ टू रीनेम फोल्डर, हाउ टू डिलीट फोल्डर, शॉर्टकट बनाने का, कोई भी प्रोग्राम को शॉर्टकट बनाने का, ये सब है। आज जानते हैं सिस्टम टूल। सिस्टम टूल में क्या होता है, ठीक है, एमएस विंडो में जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सिस्टम टूल का क्या काम है, क्या वर्क है, वो जानते हैं। सिस्टम टूल में डिक्स डिफ्रेजमेंटर, सबसे पहला पॉइंट है डिक्स डिफ्रेजमेंटर। डिक्स डिफ्रेजमेंटर होता क्या है, समझिए, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर में जो डिक्स होता है, हार्ड डिक्स जानते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसके हार्ड डिस्क जो होता है उसको हम डिस्क कहते हैं, और छोटा छोटा फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो होता है वो, उसको हम जांच करते हैं डिस्क डिफ्रेजमेंटर से कि मेरा जो है डिस्क रनिंग में है या रनिंग में नहीं है। सो तो चलिए समझते हैं, डिस्क डिफ्रेजमेंटर इज टाइप ऑफ सिस्टम टूल। डिस्क डिफ्रेजमेंटर जो है वह एक प्रकार के सिस्टम टूल है, व्हिच अलाउ यूजर टू डिफरेंट द डिस्क स्पेस। इसमें जो है इसके उपयोग से जो है हम लोग डिस्क का स्पेस जो है जानकारी ले सकते हैं कि उसका स्पेस कितना बचा हुआ है और वो रनिंग में है या अनरनिंग में है, वो जान सकते। डिस्क स्पेस इट अरेंज द फाइल ऑफ सिस्टम इन लो डिस्क। कराइए जो अरेंज किया जाता है वो हमारा सिस्टम का फाइल के लिए अरेंज किया जाता है और डिस्क के लिए अरेंज किया जाता है। स्पेस एंड ड्यू टू अरेंजमेंट द डिफरेंट ऑफ कंप्यूटर बिकॉज फास्ट। और यहाँ से हम जांच कर सकते हैं कि हमारा कितना तेजी से कंप्यूटर फास्ट काम कर रहा है और कितना स्लो काम कर रहा है। तो इसका प्रोसेस है कैसे देखेंगे, स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज में जाना है, सिस्टम टूल में जाना है और क्लिक डिफ्रेजमेंटर में जाना है, डिस्क डिफ्रेजमेंटर। ये जो निशान देख रहे हैं सब क्लिक का निशान है, डिस्क डिफ्रेजमेंटर में जाना है और ओके करना है। जैसे ही हम लोग ओके उस पर ओपन करेंगे तो कह रहा है नाउ इट्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, विल अपीयर हियर, सेलेक्ट द ड्राइव, वहाँ से आपको डिस्क और ड्राइव सेलेक्ट करना है। वहाँ पर ड्राइव में आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी है ड्राइव आपको वहाँ पर शो करें। टू डिफ्रेजमेंटर द डिस्क फाइल एंड क्लिक ऑन डिफ्रेजमेंटर, वहाँ से आप फाइल को जो है आप डिफ्रेजमेंटर पर क्लिक करेंगे, विल अपीयर हियर, क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करके और क्या करेंगे उसको क्लोज कर देंगे, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डिस्क का डिफ्रेजमेंटर कर सकते हैं। उसके बाद है करेक्टर मैप। करेक्टर मैप क्या होता है समझिए, करेक्टर मैप अलाउ यूजर टू, करेक्टर मैप के उपयोग से टू व्यू द करेक्टर फाइल विच इज नॉट अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। कह रहा है करेक्टर मैप के उपयोग से जो है हम लोग जो वर्ड कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होगा उसको हम करेक्टर मैप से ला के वहाँ पर रख सकते हैं, कॉपी करके हम लिख सकते हैं, समझ गए। करेक्टर मैप लिस्ट कीबोर्ड, वी कैन कॉपी द करेक्टर, वहाँ से आप कोई भी करेक्टर को कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट टू अनदर फाइल और लोकेशन, और किसी भी फाइल या किसी भी स्थान पर आप उसको रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज, एसेसरीज में जाना है, फिर सिस्टम टूल, सिस्टम टूल में जाना है, फिर करें करेक्टर मैप, फिर करेक्टर मैप में जाना है और उसके बाद नाउ करेक्टर मैप लिस्ट। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेगा तो एक करेक्टर मैप का लिस्ट खुलेगा। लिस्ट खुलने के बाद क्या है, विल अपीयर हियर, सेलेक्ट एनी करेक्टर, वहाँ से आप जो करेक्टर आप लिखना चाहते हैं कोई भी करेक्टर आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन कॉपी और उसको कॉपी कर दीजिए। कॉपी द करेक्टर विल बी कॉपी, वहाँ से आप कॉपी कर सकते। उसके बाद है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या है समझिए, कभी कभी होता है कि आपके पास माउस होता है और कीबोर्ड नहीं होता है सिस्टम में, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आप कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं बिना कीबोर्ड का, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अलाउ यूजर टू व्यू की
स्ट्रीम बाय यूजिंग व्हिच वी कैन परफॉर्म आवर टास्क। कह रहा है ऑन स्ट्रीम कीबोर्ड के उपयोग से जो है हम लोग वहां पर स्क्रीन पर कीबोर्ड ला करके टाइप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो प्रोसेस है, स्टार्ट मेनू में जाना है और क्लिक ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्लिक एसेसरीज में क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाके ओके करना है। वहां से आपका जो है स्क्रीन पर कीबोर्ड आएगा, वहां से आप कोई भी चीज को लिख सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेटर। क्या है समझे? इन विंडो एज परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल टास्क। ये विंडो में जो है हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल वर्क करने के लिए जो है हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव टू यूज कैलकुलेशन, इसका उपयोग जो है हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। प्रोसेस है, स्टार्ट मेनू में जाना है और प्रोग्राम, फिर और प्रोग्राम में जाना है, फिर एसेसरीज में जाना है, सिस्टम टूल में जाकर क्लिक करना, फिर कैलकुलेटर में जाकर क्लिक करना, फिर ओके करना। वहाँ से आपका कैलकुलेटर खुलेगा, वहाँ पर कोई भी आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्च और फाइंड के मतलब हुआ कि कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल होता है, बहुत सारा फोल्डर होता है, हम वहाँ सर्च और फाइंड से एक बार में कोई भी चीज़ को खोज सकते हैं, नाम टाइप करके। यहाँ पर करा सर्च ऑप्शन अलाउ यूजर टू सर्च और फाइंड एनी फाइल फोल्डर इन कंप्यूटर सिस्टम। करा है कि सर्च और फाइंड ऑप्शन के उपयोग से जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फाइल है उस फाइल में से कोई भी फाइल को खोज करके निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रोसेस है, क्लिक स्टार्ट मेनू में चलते हैं, उसके बाद सर्च और फाइंड कि क्लिक करेंगे सर्च और फाइंड में, या आप कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस करिएगा तो आप फाइंड खुलेगा, उसमें आप नाम डालेगा फाइल का, डायरेक्ट आपका फाइल वहां आ जाएगा। फाइल ऑन डेस्कटॉप, नाउ ए डायलॉग बॉक्स खुलेगा, टाइप द फाइल नेम टाइप करेगा जो नाम से आपको फाइल खोजना है, ऑफ द सर्च एंड क्लिक ऑन फाइल, सर्च और फाइंड पर क्लिक करना है। सर्च आफ्टर चूज द लोकेशन, राइट, आप कौन से लोकेशन से सर्च कर रहे हैं उसको भी आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि सी ड्राइव, बी ड्राइव या कोई फाइल या फोल्डर, उसको सिलेक्ट करके वहाँ से हम सर्च करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग विंडो का आज तीसरा दिन का क्लास है, तीसरा स्टेप, कल और आप लोग का विंडो का क्लास कल हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए फिर आगे हम बात करें।